हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके बेसिकली रिलेटेड है आपके SSC से रिलेटेड न्यूज से। जी हाँ दोस्तों, SSC MTS की आवेदन तिथि में बदलाव हो चुका है, तो उसके लिए जो आर्टिकल आया है अखबार में उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आप यहां देख रहे होंगे, MTS के 10,000 पदों के लिए जो है अगले महीने के अंत तक अब आवेदन आपके होंगे। मतलब जो इसकी डेट थी पहले 3 नवंबर 2018 को इसकी डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और लास्ट डेट थी इसकी 3 दिसंबर 2018। तो इसके दौरान इसके ऑनलाइन फॉर्म चलने थे, पर हुआ क्या है, ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने से परीक्षाओं में जो है देरी यहां पर हो रही है। और फ्रेंड, यहां पर आप जानते होंगे जो जूनियर ट्रांसलेटर की भर्ती है, स्टेनोग्राफर की भर्ती है, इस समय SSC ने निकाली हुई है, तो उनके फॉर्म भी जो है इस समय आपके चल रहे हैं। तो होता क्या है, ज्यादातर ऐसे कि SSC की जो साइट है वो आपकी जो है सर्वर डाउन हो जाते हैं और कई तरीके की अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। और जैसा आप SSC का देख रहे होंगे, पिछले लास्ट ईयर से जो है इस पर एक ग्रहण सा लगा हुआ है। कभी कोई कोर्ट केस होता है, कभी नकल की कोई शिकायत आती है, कभी पेपर लीक की आती है, तो ऐसी समस्याएं इससे लगातार जूझ रहा है और एजेंसी का चयन भी नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जो है यहां पर आवेदन में अब लास्ट डेट में जो है बदलाव यहां पर कर दिया गया है। अगर आप इसकी डेट की माना जाए तो 19 नवंबर को जो है JST की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो रही है, और इस आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही MTS के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है अब शुरू की जाएगी। अब अगर आप जो है वैकेंसी जो है कैंडिडेट इंतजार करते हैं, क्योंकि 10वीं पास जो है वैकेंसी आपकी यहां पर होती है, और यहां पर जो आपके दो चरणों में MTS की परीक्षा आपकी कंडक्ट की जाती है, तो यहां पर जो है आपसे अलग अलग चरणों में कराई जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी, जो कि MCQ होगा, और दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है वो आपकी ऑफलाइन मोड में आपकी कंडक्ट की जाती है। वैसे वार्षिक कैलेंडर, जैसा मैंने आपको बताया, 3 तारीख से आपकी आवेदन स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, पर जो इसके आपसी जो अंदर जो गृह क्लेश चल रहा है SSC के अंतर्गत, तो उसके तौर पर देखा जाए तो ये अब आपका जो है 1 महीना अब इसका डिले कम से कम हो गया है। तो दीपावली के बाद ही अब आप इसका अनुमान लगाइए कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अब आपके जारी हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की SSC MTS से रिलेटेड कुछ जानकारी से। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।